यदि आपने कोई नया YouTube चैनल बनाया है या फिर आपके चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर है तो आपको अपने चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड कर लेना है। क्यों हाइड करना है? क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई नया ऑडियंस आपके चैनल पर आता है तो वो आपके चैनल पर बहुत कम सब्सक्राइबर देके वो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। आप भी वही करते हो, आप भी किसी के चैनल पर जाते हो और बहुत कम सब्सक्राइबर रहता है तो आप भी उसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये समझते हो कि ये छोटा मोटा चैनल है, इसको हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो वो लोग भी यही सोचते हैं और यही सोच के आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो करना क्या है कि आपको अपने चैनल के सब्सक्राइबर को ही हाइड कर देना है, जिससे उन्हें पता ही नहीं चले कि आपके चैनल पर कितना सब्सक्राइबर है। तो गाइज ये वीडियो मेरे YouTube कोर्स का 7वां वीडियो है। यदि पिछले 6 वीडियो को आपने नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो बिना देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो गाइज चलते हैं सीधा अपने वीडियो की तरफ। तो देख सकते हैं कि अभी हम आ गए अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर और यहाँ पे हम सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। आपके फ़ोन में भी क्रोम ब्राउज़र होगा, आप भी उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ऊपर में देख लेना है कि आपका चैनल जो है वो उससे लॉगिन है कि नहीं, आपको यहाँ से चेक कर लेना है। अगर नहीं है तो आप इसे लॉग आउट करेंगे और अपने चैनल को लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद सर्च बार में जाके सर्च करना है studio.youtube.com। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका मीनिंग आप सही सही डालेंगे। आप यहां पे studio.youtube.com लिख कर आपको यहां पे सर्च कर देना है। तो चलिए अभी हम यहां पे इसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहां पे आएगा गेट द ऐप और नीचे आएगा कंटिन्यू टू स्टूडियो। आपको यहां पर कंटिन्यू टू स्टूडियो पर क्लिक कर देना है। गेट द ऐप पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप YT स्टूडियो के एप्लीकेशन में चले जाएंगे, तो आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, कंटिन्यू टू स्टूडियो पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप नीचे से में देख सकते हैं, नीचे में एकदम कोना में एक सेटिंग का आइकन बना होता है, तो आपको यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आपके सामने खुल जाता है। वहाँ पे आप जनरल के नीचे एक चैनल का एक आइकन है, चैनल पर क्लिक करना है। यहाँ पे एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग पर क्लिक करके आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर काउंट का एक ऑप्शन दिखेगा जो कि टिक होगा, उसे आपको अनटिक करके सेव कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप सेव करते हैं तो आपका सेटिंग सेव्ड का एक ऑप्शन आ जाता है। तो आप जब आपका अब ये सब्सक्राइबर हाइड हो चुका है। तो आप इस तरह से आप अपने चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हैं। तो गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।